भोलेनाथ, मैं आज हार नहीं मानूंगी। मेरी और परीक्षा मत लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शेष नागिन जाने से मिलकर रहूंगी। जहाँ एक साधारण सी इच्छाधारी नागिन ने शिव की भक्ति से शक्ति पाई और जैसे जैसे उसकी जिंदगी का सफर बढ़ा, उसे अपना हम सफर भी मिल गया। ये क्या है? ये किताब तो अपने शेष नागिन के अतीत की पूरी कहानी दिखा रही है। उसके सपनों का प्यार जो असल में उस पे वार करने आया था, धोखे का वार, ये एक षड्यंत्र था जिसे उसके पति मिलकर रचा था। ये दोनों अभी तक जिंदा है? हाँ। कहाँ है दोनों? मुझे ये भी बताओ, मुझे दिखाओ, कहाँ है ये दोनों, मुझे जानना है। नहीं, ये दरवाजा बंद होने से पहले मुझे यहां से निकलना है, वरना मैं यही बंद होकर रह जाऊंगी। मुझे देख, तू कोई साधारण इंसान नहीं है, नागिन है तू, नागिन, सबसे शक्तिशाली नागिन की कहानी। Thank you.
दिखाया था और ऐसा तांडव किया, ऐसा तांडव जो पूरी दुनिया को हिला दिया। मुझसे भी मेरे अपनों को खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए आज मेरा नृत्य तब तक नहीं रुकेगा जब तक मुझे मेरे अपने नहीं मिल जाते या मैं अपने अपनों से नहीं मिल जाती। जय भोलेनाथ। कोई साधारण इंसान नहीं है। कौन है आप? इच्छाधारी नागिन हूं मैं, सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन, जिसके हाथों आज मरेगा तू। Thank you.
मैं हूँ नागों का नाग, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, महाश्रेष्ठ, महानागराज, शेष नाग। नागिन हूँ, नागिन, नागिनों की नागिन, सर्वश्रेष्ठ नागिन, शेष नागिन।